नमस्कार किसान भाइयों, मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं लहसुन भंडारण में होने वाले हानि को कैसे कम किया जा सके, तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जब भी आप लहसुन का भंडारण करते हैं तो देखते हैं, जब आप लहसुन की बिकवाली करने जाते हैं तो भंडारण में बहुत सारी हानि हो जाती है, बहुत सारे कंद खराब हो जाते हैं, लहसुन अंकुरण हो जाता है, लहसुन में वजन कम पड़ जाता है और जो लहसुन के जो कंद होते हैं वो गीले गीले हो जाते हैं और उनमें जो कलियां होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में लहसुन का मरना कहते हैं कि लहसुन मर गई है। तो ये हानि क्यों होती है और किस प्रकार इसको रोका जा सकता है, यही आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो किसान भाइयों, जब भी आप लहसुन फसल का भंडारण करने जा रहे हो तो हमेशा उसी फसल का भंडारण करें जो कि रोग रहित हो। रोगग्रस्त फसल का कभी भी भंडारण ना करें। सबसे जो मेन कारण आता है लहसुन का मर जाना, यानी लहसुन का जो वजन कम हो जाता है और लहसुन की कलियाँ ख़राब हो जाती हैं, वह लहसुन में एक बीमारी के कारण ही होता है ऐसा। तो वह बीमारी है डाउनी मिल्ड्यू। जब पौधे पे बैंगनी रंग या गुलाबी गुलाबी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं और पत्तियां वहाँ से लटक कर नीचे गिर जाती हैं, तो लहसुन में डाउनी मिल्ड्यू के लक्षण है ये। तो आप इसकी रोकथाम के लिए डाइथेन Z75 का स्प्रे करें फसल पर, और रोगग्रस्त फसल का कभी भंडारण ना करें। तो जब आपकी फसल पे ये बीमारी कंट्रोल हो जाएगी, जो आप तो बाद में आपके जो भंडारण में जो समस्या आती है लहसुन के मरने की, वो नहीं आएगी। वो दूसरी बात है कि लहसुन भंडारण की अवधि को दीर्घ करने के लिए आप एक जो केमिकल आता है बाज़ार में आपको मिल जाएगी कीटनाशक की दुकान पे, जिसका नाम है मेलिक हाइड्रोजाइड का, आप स्प्रे करें। इसका स्प्रे आपको 3000 PPM की मात्रा में करना है, यानी 3 ग्राम ये प्रोडक्ट प्रति लीटर पानी में मिलाना है और उसका अपने फसल पर फसल की खुदाई से 3 सप्ताह पहले स्प्रे करना है। इससे क्या होगा कि जो आपके भंडारण में होने वाली लहसुन का अंकुरण है वो नहीं होगा। ये प्रोडक्ट मुख्यतः आलू फसल के अंकुरण को रोकने के लिए बनाया गया है, लेकिन लहसुन में भी इसका आप प्रयोग कर सकते हैं और इसका आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और किसान भाइयों, कभी भी लहसुन को उखाड़ते वक्त आप स्प्रिंकलर से या किसी भी प्रकार की सिंचाई ना करें, इससे आपको भंडारण में हानि होगी, कलियाँ बिखर जाएंगी और आपके जो लहसुन की क्वालिटी वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए तो हमेशा या तो आप कुदाल से या किसी भी प्रकार उखाड़ना हो उखाड़ सकते हैं, लेकिन सिंचाई का प्रयोग ना करें। और हमेशा भंडारण करते समय टूटे फूटे कंद अलग रखें, क्योंकि इनसे भी भंडारण में बहुत सारी हानि हो जाती है। एक कंद ख़राब होगा तो उसके समीप रहेगा दूसरा कंद, तो वहाँ भी भंडारण में हानि होगी आपको। और तीसरी बात करते हैं तो आपको भंडार गृह स्वच्छ और साफ रखना है, जहाँ नमी ना हो और हवा का बराबर आवागमन होता रहता हो। तो किसान भाइयों, ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखकर हम अपने जो लहसुन की फसल है उसके जो भंडारण क्षमता है निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं और समय आने पर हम उसकी बिकवाली करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और एक बात यह है कि हमेशा स्वच्छ और परिपक्व फसल का ही भंडारण करें, कच्ची अवस्था में उखाड़ी गई लहसुन का भंडारण न करें, क्योंकि कच्ची अवस्था वाला लहसुन ख़राब होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो कैसी लगी है आपकी जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने अन्य किसान दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी में एक नए वीडियो के साथ किसान दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।